नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह वीडियो जो हम बना रहे हैं, यह जो है सेकंड शिफ्ट एग्जामिनेशन जमुई का है, जिला संग्रहालय का। तो यह वीडियो हम नहीं बना रहे थे, लेकिन बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया। हम जो पहले वीडियो बनाए थे, लगभग में 14 अक्टूबर को बनाए थे, एक वीडियो जो बहुत ही वायरल हुआ, लगभग में 1500 लोगों ने वह वीडियो को देखा है। तो वो वीडियो जो है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप जो है इस तरह के वीडियो बनाएं, लेकिन आप जो आपको जो स्क्रीन जो है दिखाकर बनाइए, और जो सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन बताइए। बहुत सारे लोगों ने दो कमेंट किया, तो उस कमेंट के बारे में हम बहुत ही अच्छे कमेंट किए। हम जो यह जो वीडियो बना रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको जो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जिला संग्रहालय का सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछा गया, तो वो देख ले दोस्तों। तो वह जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनपुट आउटपुट में रूपांतर कंप्यूटर किस डिवाइस द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू द्वारा। देख सकते हैं दोस्तों, सीपीयू, ये आंसर हो जाएगा हमारा सीपीयू द्वारा, ठीक है, सीपीयूसी द्वारा, सॉरी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्यों कहते हैं? दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं, यहाँ डी नंबर ऑप्शन पर आपको दिख रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में कार्य प्रणाली में मुख्य अवयव में क्या शामिल नहीं है? तो कंप्यूटर में मुख्य अवयव क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों, आपको दिखा देते हैं, वह जो हो जाएगा आपको आपको डी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, वो हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क को जो सीपीयू कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा सीपीयू। और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लें दोस्तों। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप ऑफिस में कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन से मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो ये एडिट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा एडिट। और छठा नंबर क्वेश्चन है, नए नाम सहित या नए लोकेशन के विद्यमान फाइल के सेव करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग करना चाहिए? तो ये सेव एज, ठीक है दोस्तों, सेव एज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां नंबर, किस डाटा के बेस को डाटा फाइल सूची कहा जाता है? तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डाटा डिक्शनरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो है आपके लिए पावरफुल ही होगा ये, जो क्योंकि ये जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, कंप्यूटर से जो क्वेश्चन जो है बहुत जो है मिलता जुलता, फर्स्ट शिफ्ट में भी हम वीडियो बनाए तो लगभग में ये सब ही था। तो आपको जो है आठवां नंबर क्वेश्चन है दिख रहा होगा, एक्सेल वर्क बुक संग्रह, तो एक्सेल वर्क बुक संग्रह जो डी नंबर में जो दिख रहा हो, जो वर्कशीट है, ठीक है दोस्तों। और आपका जो है 9 नंबर हो गया, आपका 10 नंबर भी दिख रहा होगा दोस्तों, फाइल को अक्सर कहते हैं, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, दिखा देते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर नंबर क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू का कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं? तो कौन सा, न्यू, ठीक है दोस्तों। और जो हम जल्दी से बता देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और दसवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाइलों को अक्सर कहते हैं, फाइलों को अक्सर क्या कहते हैं? ये तो हो गया दोस्तों। और ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, वेब पेज कंप्लीट रिफ्रेश के लिए कौन सा शॉर्टकट किया है? ठीक है दोस्तों, ये जो है 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। और आपका जो बारहवां नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं, बारहवां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट क्या है दोस्तों, CTRL+P, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ए नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। और तेरहवां नंबर क्वेश्चन है, स्टोरेज का इनमें से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट जो डी नंबर में दिख रहा होगा दोस्तों, टीवी, ठीक है दोस्तों, टीवी एन। और आपका जो 12 हो गया, 13 हो गया, अब 14 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर पावर सप्लाई, ठीक है दोस्तों, के लिए उत्तरदायी पोर्ट इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है दोस्तों, आपको दिखा देते हैं, तो SMPC, ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा SMPC। और आपका जो है
दिखा देते हैं दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता जो कहा जाता है दोस्तों, वो जो है किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रुक जाइए, आपका जो हारोडोटस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ डी नंबर ऑप्शन दिख रहा दोस्तों। ये था आपका जो है 14 क्वेश्चन था, ये 15 तो हो गया दोस्तों, ये जो आ गया जीके में आ गया। तो आपका जो है यहाँ पर 14 क्वेश्चन आपको बताएं कंप्यूटर से, ये जो पूछा गया था आपका जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सेकेंड शिफ्ट में था। आपको जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर ले। और हम जो अगला जो है आपको जीके और जीएस का क्या है ये क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर ले। हम ये जो वीडियो लेकर आते रहते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।